हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कब परचेज़ किए हैं कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट, पर आज मैं वो आपको बताऊंगी कि विंटर फ्लावरिंग प्लांट परचेज़ करने से पहले आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है ताकि आपका पौधा मरे नहीं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या क्या परचेज़ किया पहले आपको वो दिखा देती हूँ। देखिए, ये मैंने लिया है पैंजी, ये येलो कलर का है। और ये देखिए, ये गजानिया है, गजानिया मैंने लिया है ऑरेंज कलर का। और ये देखिए पिटूनिया, ये सेम पिटूनिया मेरे पास है, पर मुझे ये कलर बहुत पसंद है इसलिए मैंने एक और पिटूनिया इसी कलर का ख़रीद लिया है। और ये देखिए गुलदावरी, ये पॉम्पम गुलदावरी है, और ख़रीदा है मैंने ये साल्विया, ये ऑरेंजिस रेड कलर का साल्विया है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है जब आप विंटर फ्लावरिंग प्लांट लेने जाते हैं नर्सरी में। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपने ये प्लांट लिया तो प्लांट आपको पहले सबसे पहले क्या देखना है कि प्लांट हेल्दी होना चाहिए। देखिए, जैसे मेरा ये पैंजी का है, ये एक हेल्दी प्लांट है। ये देखिए, प्लांट भले ही छोटा हो पर प्लांट हेल्दी होना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से आप चेक कर लीजिए कि प्लांट हेल्दी है या नहीं है। अगर प्लांट नहीं हेल्दी है तो आप उसे बिल्कुल मत परचेज़ कीजिए, क्योंकि आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और दूसरा बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपका जो आपने प्लांट परचेज़ किया है उसमें कोई रोग ना लगा हो, मतलब ना ही उसमें चींटियाँ लगी हों उस प्लांट में, और ना ही कोई दूसरे कीड़े मकोड़े हों। इसलिए आप अच्छे से प्लांट को पहले चेक कर लीजिए, ऊपर नीचे पूरा अच्छे से चेक कर लीजिए कि उसमें कहीं कोई रोग तो नहीं लगा है। अगर आपके प्लांट में रोग लगा है तो आप उसे भी बिल्कुल भी मत परचेज़ कीजिए, क्योंकि वो रोग आपके गार्डन में आ जाएगा और आपके बाकी स्वस्थ प्लांट को ख़राब कर देगा। तो ये तो थी दूसरी बात। और अगली बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि आपको पूरे खिले हुए फ्लावर नहीं लेने हैं। देखिए, जैसे मैंने लिया है, इसमें काफ़ी सारे फ्लावर हैं, पर इसमें फ्लावर के साथ साथ देखिए कितनी सारी कलियाँ हैं, ये देखिए, और कुछ खिलने वाली हैं, ये देखिए। मतलब इन फ्लावर्स के बाद भी ये प्लांट फ्लावरिंग करेगा। अगर आप पूरा खिला हुआ प्लांट ले लेंगे तो 10 से 12 दिनों के बाद उसमें फ्लावर मर जाएंगे और आपका पौधा बिना फ्लावर के हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आप जो भी प्लांट खरीदें उसमें कलियां होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लावर नहीं होने चाहिए। इस प्लांट को छोड़कर बाकी मेरे प्लांट देखिए, पैंजी में भी सिर्फ एक ही फ्लावर है, बाकी बर्ड्स हैं इसमें। और देखिए, मेरा गजानिया है, गजानिया में भी सिर्फ एक फ्लावर है और बाकी सारी बर्ड्स हैं इसमें। इट मीन्स कि इस फ्लावर के बाद मेरी बर्ड्स जब फ्लावर बनेंगी तो उसमें फ्लावर रहेगा। ये देखिए पिटूनिया, पिटूनिया में भी देखिए फ्रेंड्स सिर्फ दो फ्लावर हैं, बाकी सारी बर्ड्स हैं इसमें, इसलिए काफ़ी लंबे समय तक फ्लावरिंग करेगा। और ये देखिए साल्विया, साल्विया में भी ऊपर सिर्फ फ्लावर दिख रहा है, बाकी सारी ब्रांचेस में अभी फ्लावर होने शुरू हुए हैं, बनने शुरू हुए हैं, इसलिए इसमें भी काफ़ी लंबे समय तक फ्लावर रहेंगे। और जो दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप जो भी पौधा खरीदें कम से कम उसमें एक फ्लावर ज़रूर होना चाहिए, ताकि आपको कलर का अंदाज़ा हो सके कि आप किस कलर का फ्लावर खरीद रहे हैं। अगर उसमें बिल्कुल भी फ्लावर खिले नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सा फ्लावर आप खरीद रहे हैं और किस कलर का है। इस वजह से आपके पास हो सकता है एक ही कलर के सारे प्लांट्स हो जाएँ। इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा कि इसमें आपका ये एक फ्लावर कम से कम खिला होना चाहिए। ये तो थी ध्यान रखने वाली बातें कि आपको अगर आप नर्सरी से विंटर फ्लावरिंग प्लांट खरीद रहे हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। और बाकी आपको ये सबसे अच्छा समय है विंटर फ्लावरिंग प्लांट लगाने का, क्योंकि अगर इसके एक दो महीने बाद आप अगर प्लांट्स खरीदते हैं और आप उन्हें रिपोर्टिंग करते हैं, उसके बाद आप एक ही दो महीने इनसे फ्लावर ले पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप 5-6 महीने तक इसमें फ्लावरिंग ले पाएँ तो इस समय आपको फ्लावरिंग प्लांट लगा लेने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी आती है ये सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट फिर फ्लावर देना बंद हो जाते हैं या फिर ये मर जाते हैं। इसलिए इस समय आप विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को लगा लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।